दोस्तों टीवी के चर्चित कपल निशा रावल और करण मेहरा अपने रिलेशनशिप से ज्यादा अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, जहां ये दोनों ही आए दिन अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ न कुछ ऐसा खुलासा करते रहते हैं जिसे सुनकर आम पब्लिक हैरान रह जाती है। जहां निशा रावल ने करण मेहरा पर आरोप लगाया था कि करण मेहरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो उन्हें मारते पीटते भी है, वहीं दूसरी ओर करण मेहरा ने निशा पर आरोप लगाया कि वो अपने खुद के भाई के साथ रिलेशनशिप में हैं। इसे सुनकर निशा रावल ने फिर से करण मेहरा पर आरोप लगाया कि करण मेहरा अपने खुद के बेटे को मारना चाहते हैं। आपको बता दें करण मेहरा और निशा रावल अपने समय पर टीवी के सबसे प्यारे कपल्स की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। दोनों ने धूमधाम से साल 2012 में शादी की थी और इसके करीब 5 साल बाद उन्होंने एक बेटे का स्वागत किया जिसका नाम कविश मेहरा है। 31 मई 2021 को निशा ने करण के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, साथ ही उनके और उनके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए। तब से इनका केस कोर्ट में है और कविश की कस्टडी के लिए भी दोनों आमने सामने हैं। इसी बीच निशा रावल ने करण मेहरा पर अपने बेटे कविश को मारने की धमकी का आरोप लगाया है। इनके इस आरोप को सुनकर करण मेहरा ने पलटवार किया है। उन्होंने इंडियन टीवी होस्ट सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में खुलासा किया है कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वे अपने बेटे से करीब 15 महीनों से दूर है। वो अपने बेटे के बिना काफी अकेला महसूस करते हैं क्योंकि वे सबसे ज्यादा अपने बेटे को ही प्यार करते हैं। करण ने आगे बताया कि उन्होंने 3.5 साल तक अपने बच्चे की परवरिश की है और इसके लिए उन्होंने काम भी छोड़ दिया था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बेटे के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकते। वेल दोस्तों, करण मेहरा के इस बयान से आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।